को जो जलाया जाता है उसको बंद करने के लिए बिहार की गवर्नमेंट जो है फसल अवशेष प्रबंधन हेतु 75 से 80% तक का अनुदान देगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लोग फसल को नहीं जलाने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे पॉल्यूशन कम होगा। इसी में जैसे फसल को जब जलाया जाता है ना, तो मिट्टी के तापमान बढ़ते हैं, तो उससे मिट्टी में जो उपस्थित होते हैं उसके सूक्ष्म जीवाणु केचुआ आदि मर जाते हैं, साथ ही नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसीलिए ये व्यवस्था किया जा रहा है कि फसल अवशेष को जलाया ना जाए, ताकि मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो बना रहे। साथ ही इसी में बताया गया है कि मान लो 1 टन फसल अवशेष को जलाया जा रहा है, तो उससे कितने कितने हानिकारक गैसें जो है वायुमंडल में जाती है, जिससे पॉल्यूशन होता है। उसमें बताया गया है कि 1 टन फसल अवशेष के जलाने से 60 kg कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 kg कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 kg सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाते हैं। तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 फैक्ट्स हमको मिला यहाँ। अगर बिहार गवर्नमेंट की कृषि सुधार के अंतर्गत अगर कुछ पूछता है, तो वहां पे हम लोग बताएंगे कि फसल अवशेष को ना जलाया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो 75 से 80% का अनुदान दे रही है, जो कि काफी हेल्प करेगा। दूसरा है, अगर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ पूछता है, तो वहाँ ये आप ये डाटा देंगे कि अगर 1 टन फसल अवशेष को जलाया जाता है तो इतना इतना गैस जो है रिलीज हो रहा है वायुमंडल में, जो कि बहुत बड़ा रीजन है पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का। तो 2 फैक्ट्स मिले, ये नया चीज है यहाँ पे, जीएस पेपर 2 में जाएगा ये दोनों फैक्ट्स। ठीक है, और एक चीज और है कि चुनावी ड्यूटी के दौरान जो कर्मियों है उनकी जब मृत्यु होती है, तो अब उनको जो है अनुदान दिया जाएगा जो 7.5 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक होगा। अगर उग्रवादी हमला में मरते हैं या किसी भी हिंसक गतिविधि से मरते हैं या कोरोना से मरते हैं, तो उनको 30 लाख का अनुदान दिया जाएगा। लेकिन इनके अलावा कोई और कारण है जिससे उनकी मृत्यु होती है, तो वहां 15 लाख रुपए अनुदान दिए जाएंगे। एक अपना नालंदा खुला विश्वविद्यालय है, उसका नया कैंपस जो बना है नालंदा में, उसमें 4 से 6 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गणित कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि इसके नया कैंपस जो है वो कहाँ बन रहा है, और या अंतर्राष्ट्रीय गणित कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया। ये बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन बार बार। और एक है कि जो इजरायली हमला के द्वारा जो है गाजा के जेहरा शहर में 900 पुराना ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो ये पूछ सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च कहाँ था जो इजराइल के हमला में नष्ट हुआ। तो ये आप शहर का नाम याद रखेंगे, देहरा शहर। एक एसबीआई द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है कल, उसमें बताया गया है कि अपना बैंक किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। उसमें बोला गया है कि 1951 से लेकर मार्च 2014 तक हमारा बैंक जो है ऋण देने और जमा लेने जो कारोबार है उसके तहत वो 142 लाख का कारोबार की है, लाख करोड़ का। ठीक है, लेकिन मार्च 2014 से मार्च 2023 तक इन बैंकों द्वारा कुल ऋण देने और जमा का जो कारोबार है वो 187 लाख करोड़ रुपए का हुआ है, जो दर्शाता है कि पिछले 63 सालों में जो भी कारोबार बैंक द्वारा किए गए हैं वो मात्र 9 साल में बढ़कर 1.3 गुना हो गया है, जो पिछले 63 साल में हुआ। ठीक है, और इसमें आपको और चीज दिखाया गया कि सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक जो है बैंकों में ऋण जमा करने की जो दर है वो 13.2% बढ़ा है, और बैंक द्वारा जो ऋण वितरित किए जाते हैं उसमें 20% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मार्च 2023 तक भारत पर कुल 624.7 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.9% बढ़ा है। और ये बीपीएससी का ये सब डाटा जो है ना बहुत फेवरेट होता है, वो पूछते रहते हैं इस तरह का, तो ये डाटा बहुत मतलब अच्छे से रखिएगा यार आप लोग। इसमें एक और देखिए कि जो विदेशी कर्ज है ना वो जीडीपी के कुल मतलब उसका जो प्रतिशत है 2022 में 20% था, और 2023 में वो घटकर 18.9% हो गया। तो उपरोक्त जो हम लोग दोनों डाटा देख रहे हैं ना, उससे क्या मतलब निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है लगातार मजबूत हो रही है। और एक अरब सागर में एक चक्रवात आया है, जो इस वर्ष का अरब सागर में उठने वाली दूसरी चक्रवात है, उसका नाम तेज रखा गया है, जो इंडिया के द्वारा ही दिया गया है।
चक्रवात जून में बिपरजॉय के नाम से आया था वो, और वो गुजरात को हिट किया था। तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में देखा होगा तो उसमें पूछा गया था, किसी भी मतलब चक्रवात का नाम देकर वो लोग उन्होंने पूछा था कि ये किस क्षेत्र को ज्यादा इफेक्ट किया है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि बिपरजॉय से जो है गुजरात ज्यादा इफेक्टेड हुआ था, और अभी जो तेज वहां चक्रवात बनी है उसका असर ओमान में अधिक देखा जाएगा, ठीक है। जी और मैम, बिपरजॉय जो है ना उसका नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया था, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है बांग्ला में उसका नाम विपत्ति है। तो ये भी पूछ सकते हैं और पूछते रहते हैं ये लोग। और अपना सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सीवर सफाई में आप लोग हमेशा देखती होंगी कि आज 2 पर्सन मरे 1 पर्सन मरे, इस तरह का न्यूज आते रहता है, तो उसको वो संज्ञान लेते हुए एक आज कल डिसीजन दिया है। उसमें बताया गया है कि अगर सीवर साफ करते समय किन्हीं की मृत्यु होती है तो 30 लाख मुआवजा देना होगा, ठीक है। तो इसमें है कि अगर वो मृत्यु होने पर तो 30 लाख देंगे, अगर अस्थायी विकलांगता उनको होती है तो वहां पे 20 लाख देना होगा, और अगर अस्थायी विकलांगता होती है तो उनको 10 लाख देना होगा। जो भी डिपार्टमेंट वो कराती है उसके ऑफिसर्स को ये मतलब आदेश दिया गया है एसपी के द्वारा। एक अपना मजगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड है, ये कहाँ पर है किन्हीं को पता है? नहीं, ये नहीं। मुंबई में है, मुंबई में है। तो इसके द्वारा नौसेना को एक युद्धपोत दिया गया है जो तय सीमा से 4 माह पूर्व ही दे दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पहला बार ऐसा हुआ जो तय सीमा है उसके 4 माह पहले ही वो नौसेना को दिया गया, और उसका नाम है इम्फाल, ठीक है। ये किस तरह का ये युद्धपोत है? ये है 15वीं क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक श्रेणी का, यह खुफिया युद्धपोत है। तो इसको याद रखिएगा, ये खुफिया युद्धपोत है, और ये एक नौसेना का ये पहला ऐसा युद्धपोत है जिसमें महिला कर्मचारी, चालक दल और ऑफिसर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज है इसके लिए, ये सारे टर्म आप याद रखेंगे इसको। और इटली की पीएम कौन है, ये काफी हाईलाइटेड थी जब G20 हो रहा था, तभी इनका नाम बार बार आ रहा था। कोई बता पाएंगे वो कौन है? ये जियोर्जिया मेलोनी। हाँ, बहुत बढ़िया। इनका अभी डायवोर्स हो गया है अपने हस्बैंड से, तो ये पूछ सकते हैं कि ये कौन है और किस कंट्री से मतलब इनका संबंध है, ठीक है। अभी बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा एक रिपोर्ट मतलब डाटा पब्लिश किया गया है, उसमें बताया गया है कि वर्ष 2017 से 2022 के बीच जो यहाँ पे बाढ़ रोधी और बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों पर कुल खर्च जो है 8,561.62 करोड़ रुपए है। तो आप इस फैक्ट को जीएस पेपर 2 में जब बिहार से रिलेटेड अगर वो पूछेंगे कि यहाँ पे बाढ़ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप देंगे और बताएंगे कि गवर्नमेंट यहाँ पे बाढ़ को रोकने के लिए कितने पैसे खर्च कर रही है। और इसी में बताया गया है कि जो कोसी नदी है उसमें पिछले 33 वर्षों का सबसे मतलब सबसे ज्यादा पानी इस वर्ष रहा है, बट गवर्नमेंट जो चुस्ती है उसकी वजह से वहां पे बाढ़ की स्थिति नहीं बनी है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि बिहार जो है वो बाढ़ को रोकने में सक्सेस हो रही है, तो यहाँ पे आप देंगे इसको। जैसे मैंने बताया था कि फोर्थ कृषि रोड मैप जो लाया गया है ना, तो उसमें आज के पेपर में था कि बिहार के जो कृषि मार्केट है उसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है। तो इसमें बताया जा रहा है कि बिहार गवर्नमेंट प्राथमिक तौर पर 55 बाजार समितियां हैं उनका नवीकरण करेंगी, ताकि किसान जो है आसानी से अपने उत्पाद को यहाँ बेचे। पहले क्या है कि 2003 में एपीएमसी एक्ट बना था जिसके तहत ये लोग अपना जो प्रोडक्शन है कृषि उत्पाद जो है वो मंडियों में बेचे जाते थे, लेकिन 2006 में जो बिहार गवर्नमेंट है इस मंडी के सिस्टम को समाप्त कर दिया, उसका उसका जगह लिया बाजार समिति। और 2017 से एक मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू है जिसके तहत अब ऐसा व्यवस्था किया गया है कि मान लो किसी को बाजार समिति में जाकर नहीं बेचना, उनको अपने मार्केट में बेचना है, खुले मार्केट में बेचना है, तो वो भी उत्पाद वो बेचेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था, जब भी आपको बेचना है मंडी में ही जाकर बेचो। तो एक अच्छी मतलब ये एक पहल है बिहार गवर्नमेंट की, ठीक है। इसमें इस रोड मैप में फोर्थ जो रोड मैप है उसमें और एक चीज है कि ग्रामीण जो हाट है जहाँ पे वो ग्रामीण कृषक जो है वो नहीं पहुंच पाते हैं, उनके पास धन की कमी होती है, तो उनके लिए जो सुविधाएं हैं वही ग्रामीण हाट में ही बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार
बताया गया है कि बिहार में 1794 ग्रामीण हाट हैं, इसमें से 325 जो है एपीएमसी के अधीन है। तो इसको डेवलप करने से ये जो छोटे छोटे किसान अपने हैं उनको भी इकोनॉमिक रूप से फायदा मिलेगा और वो भी स्ट्रांग होंगे और किसानों की आय में वृद्धि होगी। और दूसरी टर्म इसमें है कि जितने भी बाजार समितियां हैं उनको बिहान ऐप है एक बिहार का, उससे उसको कनेक्ट किया जाएगा ताकि उनका जो भी नया कुछ भी आए तो वो आसानी से किसानों के पास पहुंचे। और उसके साथ ही इन समितियों के संचालन के लिए ई नाम प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जाएगा। ई नाम प्लेटफॉर्म जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उससे भी इन समितियों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके लिए ई नाम से जोड़ने के लिए बिहार कृषि मूल्य संवर्धन प्रणाली यानी बवाश का गठन भी कर दिया गया है। ठीक है, एक है बिहार के, बिहार से रिलेटेड है ये, जो केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे न्यायमूर्ति उदय प्रताप सिंह का निधन हो गया, क्योंकि इनका संबंध बिहार से है तो ये नाम भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने कहाँ पे मतलब अपना सेवा दिया था मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो इनका नाम है उदय प्रताप सिंह। ठीक है, आज इतना ही था अपने न्यूज में। अच्छा ये बताइए कि हमारे यहाँ जो 1 टन कृषि अवशेष को जलाया जाता है तो कितने